अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल बेस्ट इन्फो फॉर यू पे खुश आमदेद। इस वीडियो के अंदर आप लोग तफसीलन देखेंगे कि आप कुछ ही लम्हों में किस तरीके से यानी इन पतरियों को लोहे की शीट्स को लेके अलमारियां खड़ी कर सकते हैं अपने घरों के अंदर। तो मैं इस वक्त एक स्टोर में मौजूद हूँ, ये बिल्कुल एक नया स्टोर है। तो उसमें ये मुख्तलिफ शीट्स को आपस में जोड़ कर मुख्तलिफ किस्म की अलमारियाँ बनाई जा रही हैं, जिनके ऊपर आप मुख्तलिफ यानी जो अशिया आप बेचना चाह रहे होते हैं वो इनके ऊपर रख सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि हर आने वाली इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ये अब आपके सामने यानी इन रैक्स का या अलमारियों का ये फ़ायदा है कि किसी दौर के अंदर हम लकड़ी की अलमारी या सीमेंट की या लोहे की अलमारियां वगैरह बना लेते थे और वो फिक्स हो जाती थी दीवारों में। तो इन्हें आप किसी भी जगह पे आसानी से यानी इस तरीके से जोड़ के खड़ा कर सकते हैं। मुख्तलिफ साइज़ में ये मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं, ऑलरेडी तैयार भी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इन शीट्स को आप ऊपर नीचे करके जिस तरीके से आपको वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा है तो आप इन्हें इस तरीके से फ़िक्स कर सकते हैं। काफ़ी आसानी है, आप इन्हें जब क्लोज़ भी करना चाहें तो जिस तरीके से आप इन्हें फ़िक्स कर रहे हैं इसी तरीके से आप इन्हें यानी यहाँ से उतार के तो अलग-अलग रख के एक जगह से दूसरी जगह आप इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ पीसेज आपको सामने नज़र आ रहे हैं, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा होता हूँ। तो ये अभी आपको जोड़ के दिखाएंगे कि किस तरीके से पीसेज इस तरीके से पीछे ऑर्डर पे ये बना दिए जाते हैं, फिर आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से फ़िक्स करके तो जिस जगह मर्ज़ी इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ेकार आपको बीच में नज़र आ रहा है कि आपने इन चीज़ों को आपस में किस तरीके से जोड़ना है। तो इनका ये फ़ायदा होता है कि आप चीज़ के मुताबिक जो चीज़ें आप ऊपर रखना चाह रहे हैं उनकी ऊंचाई के मुताबिक इन्हें नीचे और ऊपर भी कर सकते हैं, जिस तरीके से पहले वो करके दिखा दी है। तो ये स्टोर में मौजूद हो तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ ये चीज़ें बना के वहाँ पर अलमारियाँ बना के रखी हुई हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो, स्किप नहीं करना, आपने इसे मुकम्मल देखना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो इन्हें आप ये देखें आसानी से, ये अब अलमारी बनी हुई थी उसे आपने खोला और खोल के जिस तरीके से मैंने आप पहले भी आपको बताया कि आप इसे ऊपर और नीचे ऑलरेडी ये चीज़ें बीच में छोटे छोटे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं एक लाइन के अंदर, तो इस तरीके से आपने उसे यानी खोल के जिस तरीके से लगी हुई थी तो आप इसे नीचे ऊपर जहाँ पे मर्ज़ी एडजस्ट करना चाहें आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बजाय कि आप उस चीज़ के ऊपर ख़र्चा करें कि आप लकड़ी की अलमारी बनवाएं, वो भी देर बाद चीज़ नहीं होती, या लोहे की अलमारियों में बन जाती हैं शॉप्स के लिए स्टोर्स के लिए, लेकिन उनमें मसाइल काफ़ी होते हैं, देखने में वो भद्दी थोड़ी सी महसूस होती हैं। तो मॉडर्न वक़्त जैसे जैसे गुजर रहा है तो आपको उसी के मुताबिक अपने कारोबार को और वो यानी उसकी शक्लो सूरत को आपको बदलना होता है। तो ये पूरे स्टोर के अंदर आपको यानी इस किस्म की चीज़ नज़र आ रही है, तो बाद में और ये काफ़ी वज़न आप ऊपर रख सकते हैं या काफ़ी मज़बूत चीज़ होती है, जस्ट आपने ऑर्डर करना होता है जी हमें यानी इतने साइज़ में, ये छोटे बड़े साइज़ में मार्केट में अवेलेबल होता है।